परिषद बजरंग दल ने कलेक्ट्रेट परिसर टिप्पणी की। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सरकार व प्रशासन को सख्त चेतावनी देता है कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। नगर अध्यक्ष विकास अग्रवाल ने कहा कि हिंदू समाज के वीर शिरोमणि हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप पर अशोभनीय टिप्पणी के बूते जनपद में दंगा भड़काने के प्रयास के आरोपी ओसामा पुत्र अखलाक निवासी ग्राम जसोई थाना तितावी के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। ओसामा व उसके परिवार के लोग पहले भी आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध रहे हैं और यह लोग 2019 में एनआरसी सीए के विरोध में दंगा भड़काने के आरोपी और वंचित भी रहे हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सामान्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। ऐसे में आरोपी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि कोई भी आगे से किसी भी महापुरुषों के खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी करने की हिम्मत न रखे। ओसामा नाम का एक व्यक्ति है, उसने अपनी सोशल साइट पर अपना 30 तारीख में उन्होंने एक पोस्ट डाली जिसमें महाराणा प्रताप के खिलाफ थी। और ये जो लोग हैं ये 2019 में एक दंगों में भी ये जेल जा चुके हैं। इन लोगों के जो कनेक्शन है पीएफआई और आईएसआई जैसे आतंकवादी संगठनों से इनके कनेक्शन है, इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो। और इस तरह के जितने भी लोग हैं जो सोशल साइट पर महापुरुषों का अपमान करते हैं उनको जल्द से जल्द जेल भेजने का काम हो और उनसे एनआरसी लगे, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो। अगर हमारी ये मांग अगर पूरी नहीं होती, हम राष्ट्रद्रोह मांग पूरी नहीं होती तो हम सड़कों पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे और फिर अपनी जान माल की जिम्मेदारी प्रशासन की। किस तरह की पोस्ट की है उसने? उसने महाराणा प्रताप को अब शब्द कहे जो हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते। तो आप लोग पोस्ट को करेंगे और लोग भी पहुंचे थे लेकिन अभी तक भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो क्या करेगा आपका? पुलिस ने दो दिन पहले कहने लगे एसएसपी से भी मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे हम, और उसके खिलाफ एक छोटे से धाराओं में मुकदमा दर्ज करा, उसे बाहर के बाहर जमानत मिल गई। लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, जब तक एनएसए उस पर नहीं लगेगी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना आंदोलन चलाएंगे। आज खतौली में भी आंदोलन है, कल बिरालती में भी आंदोलन था और लगातार पूरे जिले के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम अपने संगठन के द्वारा आंदोलन चलाते हैं। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं ना, अगर सरकार हमारी है तो हम सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं और अपनी मांग करते हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम पीछे हैं। जो हिंदू हितों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, यही माननीय योगी जी से और मोदी जी से हमारी मांग।